दर्शकों को देश भर के सिनेमाघर थैंक यू बोलना चाहते हैं। इसके लिए 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया जा रहा है। पहले इसको मनाने के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने स्टॉक होल्डर की रिक्वेस्ट पर डेट को पोस्टपोन कर दिया। 23 सितंबर को सनी देओल की चुप और आर माधवन की धोखा फिल्में रिलीज हो रही हैं। इस दिन देश भर के 4000 से ज़्यादा सिनेमाघरों में दर्शक सिर्फ 75 रुपये में इन फिल्मों का मजा ले सकते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बाद पूरे देश में लगे लॉकडाउन के बाद सिनेमाघरों को भी बंद कर दिया गया था, जिसका इन थिएटर के मालिकों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसके बाद 16 सितंबर 2021 को दोबारा से सिनेमाघर को खोला गया। नेशनल सिनेमा डे के अवसर पर PVR, आईनॉक्स, कॉर्निवाल, मिराज, मूवी टाइम, वेब समेत 4000 से अधिक मल्टीप्लेक्स और थिएटर में दर्शकों को 75 रुपये में फिल्म देखने का मजा मिलने वाला है। इस ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए आपको मल्टीप्लेक्स के टिकट काउंटर पर जाना होगा। यहीं पर आपको 75 रुपये में फिल्म का टिकट मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो आपको फिल्म के टिकट के ऊपर टैक्स भी देना होगा।